की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान क्रिकेट, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हारकर खिताबी जीत की दौड़ से बाहर हुए भारतीय टीम को लगभग 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे क्रिकेट फैंस हैं जिन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि भारतीय टीम विश्व कप से बाहर हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 4 दिन पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के साथ भारत का विश्व कप सफर खत्म हो चुका है और अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भिड़ने को तैयार हैं। आपको बता दें कि दोनों टीमें अभी तक विश्व कप का फाइनल कभी नहीं जीती हैं, यानी इस बार नई टीम विश्व कप पर कब्जा जमाएगी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में वैसे तो मेजबान इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड को कमतर आंकना इंग्लैंड के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है, जिसका ट्रेलर सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड दिखा चुकी है। वहीं सेमीफाइनल मैच में हार के बावजूद अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने वाले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अभी तक इस करारी हार के सदमे से नहीं उबर सके हैं। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी और फील्डिंग में तो अच्छा खेल दिखाया ही, इसके अलावा एक के बाद एक भारतीय दिग्गज बल्लेबाजों के सस्ते में आउट होने बाद अकेले ही मैच में जडेजा ने जान फूंक दिया था। जडेजा ने 59 गेंदों पर 77 रन की शानदार पारी खेली और धोनी के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी निभाई। हालांकि रविंद्र जडेजा की शानदार पारी भी भारतीय टीम को जीत दिलाने में नाकाम रही। भारतीय टीम के सेमीफाइनल में मिली हार से रविंद्र जडेजा अभी तक नहीं उबर पाए हैं और वह बेहद निराश हैं। इस बात का खुलासा खुद उनकी पत्नी रिवाबा सोलंकी ने किया है। जडेजा बार बार अपनी पत्नी से यही कह रहे हैं कि अगर मैं आउट नहीं होता तो हम मैच जीत सकते थे।